नमस्कार अर्गस अपडेट को आपनको स्वागत मु स्मृति लग्ना प्रथमे हेडलाइंस कर्नाटक रे 14 दिनिया लॉकडाउन घोषणा असंता काली राती थारो लागू हेबो कटकणा कोरोना उपर महा ग्राफ रे लगाम पाई पदखे राज्य रे प्रति मिनिट रे 5 संक्रमित वर्तमान प्लाटो स्थिति रे कोरोना 5 दिन हेला समान स्तर रे आसुचि आक्रांतक संख्या आगो को स्थिति कोन हेबो कहिबा मुश्किल कहले डीएमटी निर्देश नामांकन दाखल कले कांग्रेस प्रार्थी विश्वकेशन महापात्र कोरोना कटकणा रे जिल्लापालक ऑफिस रे कले प्रार्थीपत्र दाखल मे 16 तारीख रे पिपली उपनिर्वाचन पई मतदान पुणी 6000 उपरे संक्रमण राज्य रे आजि 6569 पॉजिटिव खोरधारु सर्वाधिक 958 आक्रांत चिन्हट आउ 9 मुंडनेला महामारी 12 घंटा धरी पड़ी रहिला सब मृतदेह नेबाकू परिवार रो गुहारी परे भी सुनिले नाही केही कागजपत्र काम चलितबा कहि समय गडाइला मेडिकल सुंदरगढ़ आसिला कोविड परिचालनार अभावनीय दृश्य एवं मे 1 तारीख रु युव वर्ग को टीकाकरण वितरण पाई माइक्रो मैनेजमेंट प्लान 2 रु 3 जिला को मिसाई क्लस्टर व्यवस्था गोटिए जगह बेड फिलअप हेले अन्य स्थान को स्थानांतर हेबे रोगी एबे संपूर्ण खबर को आसीबा कर्नाटक रे लागू हेला 14 दिनिया लॉकडाउन आसंता काली राती 9 तारु सारा राज्य रे लागू हेबो लॉकडाउन बढ़ुतबा कोरोना संक्रमण को रोकिबा पई सारा राज्य रे लॉकडाउन घोषणा करिसेंती कर्नाटक मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा तबे लॉकडाउन समय रे अत्यावश्यक सेवा जारी रहिबो सकाळ 6 रु 10 पर्यंत अत्यावश्यक दुकान खुला रहिबो सेहिभलि भाबरे सारा राज्य रे बंद रहिबो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा आज कर्नाटक रे 34804 पॉजिटिव चिन्हट होइछेंती सेहिभलि भाबरे 143 जन कर मृत्यु होइछि राज्य रे भयंकर हेउची कोरोना स्थिति प्रति मिनिट रे 5 जन महामारी रे संक्रमित हेउथबा सूचना एपटे वर्तमान राज्य रे प्लाटो स्थिति रे रहिची कोरोना गत 5 दिन हेबो राज्य रे आक्रांतक संख्या गोटी स्तर रे रहूची कोरोना गोटी स्तर रे रहुथबारो एहाको प्लाटो स्थिति बोली कहा जाइछि आगो के परिसंख्यान आहुरी कमीबा आशा करूछु किंतु परिस्थिति आगो को कोन हेबो निर्दिष्ट भाबरे एबेठो आकलन करा जाई पारिबो नाही बोली डीएमटी निर्देशक सिबीके महंती कहिछन्ति पाखापाखि गोटे लेवल रहुची आमे भाबिबा जे प्लाटू स्टेज रे आसुची माने एपिडेमिक्स एटा परवर्ती पर्याय रे कमिबा आरंभ करियो भगवान करंतु जे आउ पिक न हो आमे आशा करिबा जे एटा मेंटेन हो कारण कोविड रे प्रतिदिन तो तथ्य बदलुची प्रतिदिन तो आमर ज्ञान बदलुची तेणु जोटा प्रेडिक्शन करिबा प्रेडिक्शन टा जे सबुले सत हो एटा कोनोसी मते सत्य नो केवल टीका जो ज्वर होती आहुत शह शह कारण अच्छी ज्वर रहा कहीं नई पाए ज्वर पाई डाक्तर को आम डाक्तर परामर्श ना से क्षति कौन बर लाभ हो पाए आजि बे 6000 उपरे दैनिक संक्रमण राज्य रे आजि 6599 पॉजिटिव चिन्हट होइछेंति क्वारंटाइन सेंटर रो 3827 लोकल केस रहिछि 2772 खोरधारो सर्वाधिक 958 आक्रांत चिन्हट नुआपडा रे 551 कलाहांडी 518 कटक रो 488 आक्रांत चिन्हट होइछेंति झारसुगुडा 436 सुंदरगढ़ 434 गंजाम 323 जाजपुर 237 संबलपुर 226 नवरंगपुर 221 बरगढ़ 203 सह स्ट्रेटपुर 201 आक्रांत चिन्हट पुणी 9 मुंड नेछि महामारी राज्य रे मोट मृत्यु संख्या 1997 कु वृद्धि पाइछि जेभलि भाबरे आपण जानिछन्ति मे 1 तारिखरु आरंभ होइ जिवो युव वर्गंकु टीकाकरण तबे वितरण पई माइक्रो मैनेजमेंट प्लान हेछि 2-3 जिल्ला को मिसाई गोटिए गोटिए क्लस्टर करा जाइछि जे हॉस्पिटल ले बेड फिलअप करा जाउछि बा होइ जाउछि अन्य जिल्ला को रोगी मानकु पठाइ दिया जाउछि राज्य रे एबे बि 70% बेड खाली रहिछि राज्य रे जेभलि ऑक्सीजन रो अभाव न हेबो सेति पई सब सिलिंडर गुडीकु भरी मौजूद रखिबा पई निर्देश दिया जाइछि स्थितिर मुकाबला पई बेड ऑक्सीजन
मेडिसिन संपूर्ण भाव में महजूद अच्छी। राज्य में जहाँ टीका पहुंचा लोक मान देवाई आमर माइक्रो मैनेजमेंट प्लान करा बोली सूचना रही। आपण माने को कहलि मु आगरु कहि छी वन डे मैच करंथु नै दिन को दिन गणिले से आपण टोटल देखंथु डेथ रेट केते आपण जो कहले केस बढ़िया कथा आप केस डबलिंग टाइम देखंथु अन्य स्टेट रे डबलिंग टाइम देखंथु आमर डबलिंग टाइम देखंथु जो प्लाटी कथा सार कहले आम जो तीन दिन चार दिन है अच्छे जो छः हजार पाखापाखी आम अच्छे आप देखु अल इंडिया फिगर मैं से गोटे स्टाटिक रे अच्छा तेणु ये सब गोटे पारालाली चली भाइरस कौन सी जियोग्राफिक बाउंडरी माने नहीं तेणु जियोग्राफी बाउंडरी आम वेस्टर्न ओडिशा ईस्टर्न ओडिशा करुचे सी से भाया तो नुह तेणु आम सामग्री भाव विचार कले परिस्थिति ठीक अच्छे अपन तो जो नोडल एजेन्सी जीए एनसीडीसी पुष्टि करूना ट्रिपल म्यूटेंट कथा ये पुणी ये मीडिया आपण मान विचार चली ट्रिपल म्यूटेंट कौन इफेक्ट तपर्यंत जाना ना। वर्तमान कोविड स्थिति को नहीं केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय तरफ सांबादिक सम्मेलन करा जाउछि नजर पकेबा हर समय उसका प्रयास करें। जरूरी है किसी भी इंफेक्शियस डिजीज के मैनेजमेंट के लिए कि हम उस डिजीज को टाइम पर आइडेंटिफाई करें। कोविड भी ऐसी एक बीमारी है जिसको अगर हमने समय पर आइडेंटिफाई कर लिया तो यह सीरियस बीमारी के रूप में कन्वर्ट नहीं होगी और पेशेंट माइल्ड और मॉडरेट लेवल पर ही हम उसको कंट्रोल कर उसको ढंग से ट्रीटमेंट दे पाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आज हम कोशिश करें कि अपने कंटेनमेंट के एफर्ट्स के साथ ही हम जब भी किसी हमारे समाज में किसी भी व्यक्ति को कोई भी सिम्टम अगर नोटिस होता है तो वह तुरंत से तुरंत उसका टेस्ट कराएं। टेस्ट का रिजल्ट आने में अगर 24 घंटे या उससे अधिक समय भी लगता है तो यह मानते हुए कि मुझे कुछ सिम्टम्स हैं, मुझे दूसरे लोगों से अपने परिवार के लोगों से एक आइसोलेशन रखना है, एक डिस्टेंस बना के रखना है जब तक मेरा टेस्ट रिजल्ट नहीं आता और साथ ही मैं रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस लेता रहूं उसकी भी आज हमारे लिए जरूरत है कि हम उसको ढंग से इंप्लीमेंट करें। दूसरा मेजर फोकस है क्लिनिकल मैनेजमेंट। आज हम देख रहे हैं कि यथासंभव प्रयत्न करते हुए भी हम पाते हैं कि कुछ प्रांतों में हमारे ऐसी सिचुएशन भी पैदा हो रही है कि जहां पर हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्रेस क्रिएट हो रही है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम कुछ मुख्य अंशों का स्पेसिफिकली पालन करें। जैसे हम आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जरूरत है कि हम जितने भी हमारे होम आइसोलेशन केसेज हैं हम उनको मॉनिटर करें। होम आइसोलेशन केसेस की मॉनिटरिंग करते हुए हमें यह ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति पॉजिटिव होकर होम आइसोलेशन में है वह प्रॉपर आइसोलेशन में रहे ताकि उसके परिवार के और सदस्यों को इन्फेक्शन ना फैले। होम आइसोलेशन से संबंधित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इश्यू की गई गाइडलाइंस का 100% पालन हो वह हमें इंश्योर करना है। जरूरत है कि जो केसेस जिनको की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो उनको स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके हम सीमलेस हॉस्पिटलाइजेशन को कोशिश करें ताकि पेशेंट को टाइम पर एडमिशन मिल सके। इसके लिए हमने स्टेट से और डिस्ट्रिक्ट से भी रिक्वेस्ट की है कि हर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिक्वेस्ट के तहत एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करे जहां पर की अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स उसको डिस्प्ले किया जाए ताकि लोगों में एक अननेसेसरी भय का वातावरण पैदा ना हो और एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस किया जाए क्रिएट किया जाए जिससे कि हॉस्पिटल में बेड उनको मिल सके। साथ ही जरूरी है कि स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट मिलकर बेस्ड ऑन द केसेस ट्रेजेक्ट्री किस टाइप के केसेस आ रहे हैं कितनी तादाद में केसेस आ रहे हैं उसको देखते हुए जरूरत पड़े तो एडिशनल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स के बेड्स को कोविड डेडिकेटेड बेड्स में कन्वर्ट करें और अधिक जरूरत हो तो मेकशिफ्ट टेम्परेरी हॉस्पिटल्स भी बनाकर एंश्योर करें कि जिन लोगों को बेड्स की जरूरत है उनको हम समय पर बेड दिला पाएं। जरूरी है कि हम नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को 100% फॉलो करें। आज आप लोगों की नॉलेज में भी है कि कहीं जगह पर ऑक्सीजन और इसी तरह से जो इन्वेस्टिगेशनल थेरेपी वाली हमारी दवाइयां हैं जैसे कि रेमडेसिविर टोसिलिजुमाब जो कि लिमिटेड सप्लाई में देश में अवेलेबल है बिकॉज क्योंकि हमने देखा कि एक सडन सर्च केसेस में आया है तो वाइल एक स्थाई पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी सप्लाई बढ़ाने का काम कर रही है। दूसरा जरूरत है कि अननेसेसरी ड्रग प्रिस्क्रिप्शन ना हो तो हम एक आप लोगों के द्वारा सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि काइंडली इंश्योर करें जिसको ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत हो उसको ऑक्सीजन दी जाए, जितनी क्वांटिटी में ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत हो उतनी ही ऑक्सीजन दी जाए। साथ ही जो इन्वेस्टिगेशनल थेरेपीज हैं उनको उनके नॉर्म्स के हिसाब से क्लिनिकल प्रोटोकॉल के हिसाब से ही प्रेस्क्राइब किया जाए। यह भय का वातावरण क्रिएट ना हो कि अगर मुझे रेमडेसिविर या टोसिलिजुमैब नहीं मिलेगी तो मेरे पर्टिकुलर पेशेंट को खतरा ज्यादा है।
साथ ही हम इससे संबंधित एक और बात आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि जिस तरह से रेमडेसिविर और टोसिलिजुमाब हैं, हमारा क्लिनिकल प्रोटोकॉल क्लियरली आइडेंटिफाई करता है सिमिलरली प्लेस्ड मेडिसिन जो कि इससे चीपर है, जो वाइडली अवेलेबल है, और उन सबको भी हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी द्वारा प्रेस्क्राइब करना चाहिए ताकि लोगों में एक जो भय का वातावरण है वह कम हो सके और साथ ही इफेक्टिव एंड रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट हम पेशेंट को दे पाएं। इस विषय में डॉक्टर गुलेरिया आपको और डिटेल में भी एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही इक्वली इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ जब हम अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने की बात करें, एक तरफ हम क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करने की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इसलिए जरूरी है कि अगर हमने इसको फॉलो नहीं किया तो चाहे हम कितना भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर समय समय पर अपग्रेड करते रहें, बट हमारे देश की जनसंख्या इतनी अधिक है कि हम जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, जब तक हमने अपने इंफेक्शन को कंट्रोल नहीं किया तब तक हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमेशा किसी ना किसी लेवल पर स्ट्रेस पर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं इससे संबंधित आपको दो स्टडीज भी हाईलाइट करना चाहूंगा। जैसे कि अगर आप देखें कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों में इस पर रिसर्च हुई है, उन्होंने पाया है कि अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग से हम किस तरह से फायदा उठा सकते हैं, तो उन्होंने देखा है कि एक आदमी अगर कोई भी फिजिकल डिस्टेंसिंग मेजर्स को फॉलो ना करे तो 30 दिन के अंदर वह 406 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। यानी कि अगर हम अपने बिहेवियर पैटर्न में कोविड को समझते हुए उससे संबंधित चर्या नहीं करते हैं, कार्य नहीं करते हैं, तो टू दैट एक्सटेंट हम अपनी फैमिली और अपने समाज को उस एक्सटेंट तक रिस्क में ले जाते हैं। अगर हम 50% फिजिकल एक्सपोजर अपना कम कर दें तो यह पाया गया है कि 406 लोगों के मुकाबले 15 के करीब लोग इन्फेक्ट होते हैं, और अगर हम अपना फिजिकल एक्सपोजर 75% कम कर दें तो एक इन्फेक्टेड आदमी इफेक्टिवली करीब 2.5 लोगों को ही एक महीने बाद इन्फेक्ट कर पाएगा। आप लोगों के द्वारा हमारी सबसे विनती है कि इस आस्पेक्ट को समझना बहुत जरूरी है कि एक तरफ हम क्लिनिकल मैनेजमेंट पर ध्यान दें, दूसरी तरफ हम इन्फेक्शन कंट्रोल पर भी ध्यान दें। दूसरा विषय जो हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, यूज ऑफ मास्क। यह भी एक स्टडी के द्वारा पाया गया है कि जबकि हम 6 फीट की दूरी, 2 गज की दूरी अपने मध्य में रखते हैं, तो भी अगर दोनों, यानी कि पर्सन जिसको कोविड 19 हुआ है और पर्सन जो अनइन्फेक्टेड है, यह आप एक किसी भी घर में यह स्थिति पा सकते हैं कि जो होम आइसोलेशन के केसेस है, अगर मास्क का सही ढंग से इस्तेमाल ना किया जाए तो 90% रिस्क है कि एक इन्फेक्टेड आदमी दूसरे अनइन्फेक्टेड आदमी को इन्फेक्ट कर सकता है। यहां भी अगर आप देखेंगे कि अनइन्फेक्टेड पर्सन अगर मास्क पहने लेकिन इन्फेक्टेड पर्सन ना पहने तो 30% उसके चांसेस हैं कि वह इन्फेक्ट कर पाएगा। अगर इन्फेक्टेड पर्सन मास्क पहनता है और साथ में अनइन्फेक्टेड पर्सन भी मास्क पहनता है तो दोनों केसेस में 1.5% रिस्क रह जाता है। कपल दिस विद 6 फीट डिस्टेंस बिटवीन 2 पीपल तो देर इज नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन अक्रॉस 2 पीपल। मित्रों, हम आपके द्वारा सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे एफर्ट्स हों कि हम इस पर ध्यान रखें। यह विषय, इस विषय पर हम इससे पहले कई बार बात कर चुके हैं लेकिन आज जरूरी है, जिस तरह से रन अवे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन हम पा रहे हैं कुछ प्रांतों में, उन पर्टिकुलर एरियाज में हमें कोशिश करनी है कि यह प्रोसेस, हैंड हाइजीन, फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क, जिसको हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के रूप में कहते हैं, यह हमारे जीवनचर्या का एक हिस्सा बन सके, इसकी हम आपके द्वारा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। दूसरी जरूरत है, एक एंग्जाइटी और पैनिक कई बार जो सिस्टम में क्रिएट हो रहा है बिकॉज आइदर ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और बिकॉज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, उस पर भी हमें काम करने की जरूरत है। हम सबको मालूम है, हम पिछले 1 साल 3 महीने से इस बीमारी से जूझ रहे हैं। हमें मालूम है कि अगर हमने अपने केस को टाइम पर आइडेंटिफाई किया और हमने मुख्यतः पाया कि सारे केसेस अगर उनको ढंग से हम मैनेज करते हैं तो 95% 98% केसेस रिकवर। तो इसके लिए जरूरी है कि हम टेस्टिंग का ध्यान देते हुए, रिकवरी हो सकती है लेकिन हम जो प्रेस्क्राइब गाइडलाइंस हैं उनका 100% पालन करने की बहुत जरूरत है। तो एंग्जाइटी ना रखें, पैनिक ना रखें, हमारा पेशेंट रिकवर हो जाएगा। हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना है, ट्रीटमेंट गाइडलाइंस जो हैं उनको फॉलो करना है। एक जो कई बार पैनिक की वजह से एक भय के वातावरण से जो क्रिएट होता है कि एक पर्टिकुलर पेशेंट जिसको शायद ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत नहीं है, जिसको शायद हॉस्पिटल बेड की जरूरत नहीं है, कई ऐसे केसेस भी हम लोगों की दृष्टि में आए हैं
कि भय के वातावरण से कि हो सकता है मुझे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, ऐसे लोग आउट ऑफ एक्स्ट्रा कंसर्न वह कभी बेड भी ऑक्यूपाई करते हैं, जिससे हमें यह समझने की जरूरत है कि ये बेड हो, ऑक्सीजन हो, ये सारी केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय तरफ आपण प्रेसमिट देखुले पानिक हेबानी बा एंजाइटी अटैक द्वारा अनेक समय रे अनेक किछि सिम्पटम्स देखिबा को मिलुछि जद्वारा अधिक विपद बढ़ी जाउछि स्वास्थ्य प्रति एवं जहाँ गाइडलाइन रहिछि विशेष भाव में मास्क परिधान कथा कहतु बा सामाजिक दूरता बजाय रखा कथा कहतु प्रत्येक परिस्थिति आपको गुरुत्व देवाई कहला। परवर्ती खबर को आसवा संबलपुर साखीपड़ा न्यू कॉलोनी रो सेक्स रैकेट ठाब करा जाइछि। धनुपाली पुलिस सूचना देछि एक भड़ा घरे चढ़ाऊ करा जाइतिला। चढ़ाऊ रे दुई जण युवती तांको सहित तीन ग्राहकंकु घर भितरु उद्धार करिछि पुलिस। धनुपाली पुलिस रो तदंत वर्तमान भी जारी रहिछि। ए मामला रे राणी मोहम्माची समेत घर मालिकंकु मध्य पुलिस अटक रखिछि एवं पचराउचरा करूछि। तबे पुलिस चढ़ाऊ समय जणे ग्राहक पळाइथिबा सूचना देछि। केतला भाई रेट केतला केते रेट थिला हां काम लागै छै क्या काम लागै छै सुना काम पजल पुजला मने केतरे बनासो। जाजपुर जिला दानगदी अंचल रे बारहा आक्रमण रे जने मृत तीन गुरुतर। मृतक जनक हेउछन्ते स्थानीय उपर टमका गांर मनोज दास। मृत मनोज को सहित मंगल नायक, कलाकार नायक, मालती दास चारकोली खाइबा पाई निकटस्थ महागिरी जंगल को जाइथिले एवं बारहा आक्रमणर शिकार होइथिले। टमका वन विभाग कर्मचारी समस्तंकु गुरुतर अवस्था रे उद्धार करिछंती, समानकु हॉस्पिटल रे भर्ती करा होइथिला। मनोज को डाक्टर मृत घोषणा करथिबा बेले आउ तीन जण गुरुतर अवस्था रे एबे भी चिकित्सित। पुरी जिलार समुदाय पॉजिटिव संख्यार अधारू अधिक पुरी सहर रे चिन्हट हेबा प्रशासन पर मुंड बिंधार कारण पाल्टिछि। आज ठारू श्रीमंदिर भक्तंक पई बंद रहिबा सहित स्वर्गद्वारे मध्य जिला बाहर मृतकंकर शवदाह उपरे प्रशासन रो कटकणा। ए सब भितरे सहर रे थिबा परिबा मार्केट उपरे मध्य तीक्ष्ण नजर रखिछि प्रशासन। पुरी जिला प्रशासन तरफ बड़ संख परिबा बजारे सामाजिक दूरता पई जने ग्राहकंक ठारू अन्य जने ग्राहक भितरे 2 फुट दूरता रक्षा पई धळा चिन्ह दिया जाय छी। तबे आज बड़संख परिबा बाजार को निजे जिलापाल समर्थ वर्मा जाइथिले एवं ए सबुर समीक्षा करिसेंति। परवर्ती खबर को आसिबा सोरडा गस्त करे कोविड स्थिति रो समीक्षा करिसेंति गंजाम जिलापाल विजय अमृत कुलांगे। शहर रे किभळे कोविड रो द्वितीय लहर व्यापी बारे रोक लगा जिवो सेथि निमन्ते विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी मानक स जिलापाल आलोचना करिसेंति। सामाजिक दूरता, मास्क व्यवहार, पंचसूत्री नियम कठोर भाव रे पालन करबा एवं जनगहळी स्थान गुडी करे विशेष नजर देबा को अधिकारी मानक से देइछेंति परामर्श। भंजनगर उपखंड रे मोर गस्त चली सकाळी मो आस्का तापरे धारकोट तापरे एबे सुरडा रे आसी सब पीआरआई मेंबर सहित या सहित जो आमर किछि बनिक संघर भी लोग अछंती तांके संग मो आलोचना करूछी। या सहित जो आमर कोविड मॉनिटर अछंती कोविड कमिटी रे लोग तो लास्ट टाइम आम जमी कम्युनिटी मैनेजमेंट करूँ समस्त को सहयोग समस्त को सामिल करके आम कोविड मुकाबला करूँ तो ये एबे भी आम सेमिति काम करार अच्छी गाँव जो सिम्टम बाहर तापर रिटर्नी जो लोग होम आइसोलेशन तापर टेस्टिंग एम्बुलेंस मैनेजमेंट जदि किए कह मृत्यु हेब ताकर मैनेजमेंट ये सब को नहीं के आलोचना है तो सब लोग प्रस्तुत अच्छा भलो कथा एवं तो फर्स्ट टाइम तक प्रथम थरे एक्सपीरियंस भी समस्ते नहीं तो एवं निश्चित ये द्वितीय लहर मुकाबला करने ये सोरडा टीम भी पूरा ये प्रस्तुत देखा मिलू तो अकॉर्डिंगली ये कोविड टूर भी मुकाबला करेंगे आम। रायगड़ा दिनक दिन बढ़िवे लगी संक्रमित संख्या यह नजर रखी गुणपुर अलंकार बणिक संघ पक्ष आज आसंता सोमवार पर्यंत सहर समस्त अलंकार दुकान बंद रखा निष्पत्ति संघर एभली एक निष्पत्ति विभिन्न महल में स्वागत कर गत 24 घंटे जिले में 170 जन आक्रांत चिन्हट होती गुणपुर 11 जन चिन्हट होता सूचना। हमारा
कोरोना संक्रमण बेसी आम दुकान मांग कस्टमर जाक बेस आसिक डिस्टर्बेन्स होमर फैमिली असुविधा आरलोक फैमिली भी असुविधा होतीपाई आम सब ज्वेलर एसोसिएशन सब निष्पत्ति नहींचे आई सोमवार आसा सोमवार पर्यटन सप्ताह पूरा दुकान सटडाउन कराया चाहूँ आईपाई सब साय कले जहाँ हूँ समस्त निष्पत्ति नहीं कि ये कोरोना संक्रमण को रखने भल भावु दुकान को शह शह लोक विजिट कर से विजिट करने समय कहार कौन अच्छी आम तो जापरवानी एमें गोटे निष्पत्ति गोटे सप्ताहटी बंद करवा जे जो जो लगे आमर फैमिली को आम आम न्याय देला हम कि व्यवसाय बड़ कथा ना करोनार दूर रहा पड़ो समस्ते मास्क पिंधतु एवं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करूँ। अबकारी विभाग हाजत भितर घंटा घंटा धरी जने युवक छटपट डाकुची ए दृश्य देखा मिली तालचेर देहरे माड़ चिन्ह रही युवक जनक छटपट किंतु चिकित्सा मिल पारना ए दृश्य आप देखिपुंट तालचेर अबकारी विभाग हाजत भितर किभली भाव घंटा घंटा धरी जने युवक पड़ छटपट युवक को गतका विलंबित राति में अणा जाता हाजत भितर रखा जाते सुधा चिकित्सा जोगाय दिगला विपु मद और गोटे गाड़ी जबत करलचेर गुरुजांग गाँव सानंद देहरी को हाजत में रखा जाइए तेज युवक को किए और कहीं माड़ मारी एपर्यंत स्पष्ट हो पारिना यह पचरे घटना कौन से संपर्क में अबकारी अधिकारी किसी कह मना कर मेडिकल भी नौना मैडम टे दिं मैडम आज तो सीजन टाइम कौन तरह कौन किसी कहे ना जने अध्यापक एका संगे तीन कॉलेज रे कार्य करिबा घटनार तदंत आरंभ होई अध्यापिका ममता प्रधान एका संगे तीन गोटी कॉलेज रे कार्य करथवार अभियोग हेबा परे घटनार तदंत करिबा निमन्ते उदला कॉलेज रे आसी पहुंची जाइछंती बालेश्वर रीजनल ऑफिसर डिप्टी डायरेक्टर तबे ममता प्रधान 2003-2007 भितरे एका संगे उदला कॉलेज नुआसाही कॉलेज रे कार्य करथिबा बळे एबे बे कुंडाबाई कॉलेज रे कार्यरत थिबा अभियोग होइथिला जहार तदंत करने रीजनल ऑफिस रो डिप्टी डायरेक्टर उदला कॉलेज रे पहुंची संपृक्त अध्यापिका ममता प्रधान करो समस्त दस्तावेज जांच कर नमस्कार।